अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आपको ये बहुत पसंद भी आ रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं गाइस, मैं रोज़ आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आती हूँ जो किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होती है। इसी तरह आज मैं आपके लिए रॉक पेंटिंग्स लेकर आई हूँ जो इनका ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। जैसा कि आप खुद भी इसमें देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत है गाइस, ये मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद होगी और आप भी उस वक्त बैठे हुए लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और आपके दिल में भी ये चल होगा कि मैं भी इसी तरह पेंटिंग करूं। बस ये दिल कर रहा होगा आपका कि ब्रश उठाओ और पेंटिंग करने लग जाओ। दरअसल पेंटिंग है ही ऐसी चीज़ जो देखते ही दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना पेंटिंग की जाए और अपने फारिग वक्त वो मसरूफ में क्या। सो गाइज़, अब आपने भी इसी रॉक पेंटिंग से पेंटिंग करनी है और मुझे बताना कि आपकी पेंटिंग कैसी बनी है और आपको के किस तरह की पेंटिंग बनाई है आपने और किस तरह बनाई है आपने, मुझे इस बारे में ज़रूर बताना है। तो आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा इन पेंटिंग्स को बनाने की, आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छी पेंटिंग बनेंगी वो भी। और ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये पेंटिंग भी बहुत खूबसूरत है, इंतहा खूबसूरत है और ये हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करती है और हमें इन्फॉर्म करती है कि आजकल क्या चल रहा है। आजकल भी पेंटिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा और ये काफ़ी लोग पेंटिंग में मसरूफ़ रहते हैं क्योंकि इसका पेंटिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। लोग आज भी इसे पसंद करते हैं, बल्कि आजकल ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। बच्चों के लिए भी रॉक स्टोन पर मौजूद गुड़िया वगैरह, डॉल वगैरह लगाने, बर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं ताकि बच्चे भी इससे अट्रैक्टिव हों और बच्चे भी खुश हों और उनके दिल में पेंटिंग करने का जज्बा पैदा, क्योंकि बच्चे ऐसे ही चीज़ें सीखते हैं जो इनके लिए खुशी का सबब बनते हैं। ये पेंटिंग हमारे मालूमात में इजाफा करती है और हमें बताती है कि हमें किस तरह की पेंटिंग बनानी चाहिए और किस तरह, अगर हमने कभी कोई पेंटिंग ख़रीदनी है तो किस तरह की पेंटिंग ख़रीदनी चाहिए। इस तरह हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है। इस तरह आप भी वीडियो देखते हैं, दूसरे लोगों को भी इस वीडियो के बारे में बताया करें ताकि वो भी हमारी वीडियो को देखा करें और इसके लिंक को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताया करें कि आपको किस तरह की वीडियो देखनी है ताकि हम उसी तरह के आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। हम जो भी वीडियो लेकर आते हैं दरअसल वो कमेंट बॉक्स में बताए गए लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक लेकर आई जाती है। जैसा कि आप इन रॉक स्टोन पर देख सकते हैं कि हर स्टोन पर फ्लावर बनाए हुए हैं। फ्लावर वैसे ही तमाम लोगों को बहुत पसंद होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको फ्लावर बहुत पसंद हो गए और ये फ्लावर तो है इतने ब्यूटीफुल के हमारे लिए समझना मुश्किल है कि ये रॉक स्टोन है या फिर फ्लावर है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और मुझे बताना है कि आपको कौन सी पिक ज़्यादा पसंद आई है और कौन सी पेंटिंग आपको ज़्यादा पसंद आई है। इसमें लाइट और डार्क दोनों कलर की पेंटिंग मौजूद होती हैं। बाज़ लोगों को लाइट कलर की पेंटिंग ज़्यादा पसंद होती है और बाज़ को डार्क कलर की पेंटिंग ज़्यादा पसंद होती है। आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सी कलर की पेंटिंग ज़्यादा पसंद है ताकि मैं उसी के मुताबिक आपके लिए वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती होंगी, आप इसे पसंद करते होंगे और दूसरों को भी इसे देखने का मशवरा देते होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बर्ड लग रहा है। ऐसी चीज़ें बच्चों को दिखानी चाहिए जो बर्ड हैं, जिस रॉक स्टोन पर बर्ड्स या डॉल्स की तस्वीरें बनी होती हैं, ऐसी चीज़ें बच्चे देखकर खुश होते हैं और उनसे अट्रैक्टिव होते हैं और वो भी पेंटिंग करने का जज्बे का शौक़ रखते हैं। जैसे इस पिक में दिखाया गया। सो गाइज, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।